आते हैं यहाँ, इंट्रोडक्शन टू पिवट टेबल या पाइवट टेबल, दोनों एक ही चीज ही के नाम है, अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से बोल सकते हो। जैसे हमारे यहाँ एक ही चीज को बोलने के दो तरीके होते हैं, कुछ अलग अंदाज में बोलते हैं उर्दू, ये उर्दू में कुछ एक ही लफ्ज को अलग अंदाज से बोलते हैं, कुछ दूसरे अंदाज से, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये इंग्लिश का वर्ड है, कुछ अलग अंग्रेज है वो अलग अंदाज में बोलते हैं और कुछ अलग अंग्रेज हैं वो अलग, अमेरिकन अलग बोलते हैं, ब्रिटिश अलग बोलते हैं, कोई पिवट टेबल बोलता है, कोई पावट बोलता है, ऐसे मुख्तलिफ अंदाज हैं हमारे पास, जैसे हम नॉर्मल उर्दू में भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही काम हमारे पास आता है, इंट्रोडक्शन टू पिवट टेबल में आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ पिवट टेबल, ठीक है। इसमें क्या है, एक चीज तो याद रखनी है, बैन यू हैव अ, ये तो रट जाएगा तुमको। मैंने बता दिया कि एक्सेल में जब आ गए, जब बड़े डेटा पे खेलने जा रहे हो तो हमारे पास मुश्किल हो जाता है उसको क्या करना, एनालाइज करना, पूरी वर्कशीट की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमारे पास आए शेख साहब आ गए, हमें कितनी खुशी हुई है खुद नहीं जानते। निहाल आपको खुशी हुई, ठीक है। आए शेख साहब आ गए हैं, आप, आपके लिए यहाँ जगह है हमारे पास, आप बहुत इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे हैं, मामला निपटाने के लिए आपके साथ मैंने रखा है इसको, हेलो मामला निपटा लेना इससे छोड़ना नहीं है, हाँ हाँ मामला क्लियर करो बच्चे के साथ। यहाँ आते हैं और यूजिंग पिवट टेबल। अब पिवट टेबल को इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो पिवट टेबल है क्या, आप फिल्टर पढ़ चुके हो, आप चार्ट पढ़ चुके हो, आपको रॉ का पता है, आपको कॉलम का पता है, यही सारी चीजें पिवट टेबल में, टेबल आपको पता है, ये सब चीजें किसमें है, पिवट टेबल के अंदर है। लेकिन पिवट टेबल के अंदर कुछ खास चीजें हैं मुख्तलिफ, उनके हवाले से देख लेते हैं। पिवट टेबल फिर क्यों यूज कर रहे हैं, पिवट टेबल ये सब चीजें एक साथ आपको देता है ताकि आपका बड़ा डेटा जो भी है उसको एनालाइज करना, उसको जज करना बहुत आसान हो जाए, इजी हो सजाए, ताकि आप उसको इजीली समझ सको, भाई इस डेटा में क्या है, इस डेटा में क्या है और इस डेटा में क्या है, यही चीज समझते हैं यहाँ पे। इससे जैसे इतना बड़ा डेटा दिखाया उसको समराइज कर सकता है, ये ऑर्डर के हिसाब से देख सकता है। इस तरह पहले क्या करना है, तो क्रिएट अ पिवट टेबल, सेलेक्ट द टेबल और सेल इंक्लूडिंग कॉलम हेडर, वो टेबल या सेल आप पूरा जो भी डेटा चाहिए आप पूरे को सिलेक्ट करो पहले, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसका सेल भी साथ में कॉलम और हेडर होने चाहिए, कॉलम और हेडर, हेडर मतलब उन सब कॉलम के ऊपर एक हेडिंग होनी चाहिए, जो पहली हेडिंग होगी उसके नाम से उसको क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा, एक्सेल उसी नाम से उसको जानेगा। इंसर्ट पे जाओ और ये पिवट टेबल आपको देता है, वो पूछता है टेबल का नाम, आप जो नाम रखना चाहो वो नाम रखो। उसके बाद न्यू वर्कशीट पे जाइए, एग्जिस्टिंग पे, एग्जिस्टिंग में पूछेगा किस पे चाहिए, आप अपनी मर्जी से एग्जिस्टिंग वर्कशीट लगाओ, पहले से बनी हुई वर्कशीट पे किसी पे भी इंपोर्ट कर देगा, या फिर आप अगर न्यू वर्कशीट पे जाओगे तो एक नई शीट के अंदर आपको बनाकर दे देगा। जैसे ये लगाएंगे ऐसे पिवट टेबल की शक्ल में डेटा आ जाएगा, फिलहाल खाली है, आप इसमें से जो डेटा सिलेक्ट करेंगे सेल्स और ऑर्डर के हिसाब से आपको ऐसे जनरेट करके दे देगा। इसमें फिल्टर भी है, कॉलम्स भी है, रॉस भी है और वैल्यूज भी, वैल्यूज में वो सारी चीजें आएंगी, वो नंबर वाली चीजें जिनका आप सम एवरेज इस टाइप का कुछ करना चाहते हो, क्या आएंगी वो वैल्यू जिनका आप कोई सम एवरेज या उनको जमा प्लस माइनस करना चाहते हो। इसमें रोल नंबर आएगा, रोल नंबर वाला कॉलम नंबर वाला कॉलम है, वो इसमें आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, रोल नंबर वाला कॉलम इसमें आ जाएगा, आईडी कार्ड आईडी नंबर आएगा, गधे हो तुम लोग, क्यों आएगा, आईडी नंबर जमा करना है, आईडी नंबर एक और दो जितनी आईडिया सबको प्लस करके 10,020 आईडिया बन गए, ये करना है। ऑर्डर सेल कितनी हुई, टोटल सेल की अमाउंट प्लस करनी है, रोल नंबर तो सबके अलग अलग ही चाहिए ना भाई, तो वो क्यों इसमें वैल्यू इसमें डालेंगे, समझ आई बात को, ऐसी वैल्यू इसके अंदर ऐड नहीं करनी। बाकी सेवन स्टेप में यहां आपने रखा, देखो सम ऑफ ऑर्डर दे दिया, वैल्यूज का ऐसे करके आपको शो करवा दिया इसने। अब और बहुत गेम हो सकता है, आओ इसी का डेटा डाउनलोड मारे और उसके साथ थोड़ा सा गेम खेले। yes,
कर जा, चपेटे लगेंगी ना, अक्ल तेरी बिल्कुल बराबर ठिकाने पे आ जाएगी। तो हम बाद में देखेंगे क्या रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। ये एक छोटा सा मजाक था, सीरियस था, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये आपने सेलेक्ट किया डेटा, ये ऐसे, या फिर ये पूरा एक ही है, आप यहाँ आओ कंट्रोल ए, जैसे वो कहता है कंट्रोल उठे, ऐसे आपने कंट्रोल ए दबाना है, ठीक है। तो कंट्रोल ए से क्या होगा, आपका सिलेक्टेड डेटा सिलेक्ट कर लेगा वो। ये आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट पर आ जाओ और बोलो पिवट टेबल। इसके अंदर ऑप्शन भी है पिवट टेबल फिलाना, और ये आप बस पिवट टेबल पे क्लिक मारो, बोलो इतनी पंचायत नहीं चाहिए। किस चीज का है, कम वलीद की कंपनी है, वलीद कंपनी, ठीक है, वलीद की कंपनी आ गई, वलीद प्राइवेट लिमिटेड कर देते ना, वलीद पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, क्या हाँ ना, प्राइवेट के लिए यूज करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा उस पर लिखा हुआ होता है कंपनीज। न्यू शीट या एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग करोगे तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी वर्कशीट किस शीट पे चाहते हो। न्यू शीट वर्कशीट करो, ओके करो, डेटा सोर्स रेफरेंस इन वैलिड। अच्छा सॉरी, ये तो रेंज वाला है, चूज नेम तो नहीं था, नेम वाला अलग था, यहाँ आ गया टेबल का नाम दिया हुआ है, सॉरी मैंने इस टेबल को पहले नाम देना था, इसको तो नाम दिया हुआ है यहाँ टेबल वन, इसको टेबल वन ही हम खैर सिलेक्ट करेंगे। इनवैलिड एरर दे रहा है रेफरेंस, एक मिनट, वलीद पीवीटी एलटीडी, आई थिंक ये वो नहीं उठाता, गैप डेटा सोर्स इज इनवैलिड, लेट मी चेक, ये बंदा ही खराब है। नहीं नहीं कोई इशू नहीं, यहाँ आते हैं दोबारा से वन टाइम चेक करेंगे। आता हूँ और व्यू में इंसर्ट पर आया, पिवट टेबल पे क्लिक किया, टेबल वन, इसको नाम ही दिया हुआ है इस टेबल को टेबल वन। वो हम जब टेबल बनाते हैं तो हमारे पास टेबल आते हैं, आपने देखा होगा वर्ड में भी नाम दिया होता है, इसने टेबल वन को नाम दिया हुआ है। खैर अब इसको करते हैं एड दिस डेटा टू द मॉडल, यहाँ आके हम ओके कर देते हैं, हमारे पास ये डेटा आ गया। अब एक ये जो डेटा आया है ये क्या है, इसको जरा हमें समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समझ पढ़ना पड़ेगा। हमारा डेटा ये रहा और शीट ये रही। अब मैं बोलता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए, मंथ, ऑर्डर अमाउंट, अकाउंट, रीजन और फिलाना। यहां पर आते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है, सॉरी यहीं पर सेल्स में, सेल पर्सन, रीजन, अकाउंट, ऑर्डर अमाउंट और मंथ, यही चीजें। अब देखो जरा, मैं बोलता हूं सेल्स पर्सन का नाम आए, नाम आ गया, हर बंदे के सामने उसकी ऑर्डर ऑफ अमाउंट आ गए, आ गई ऑर्डर ऑफ अमाउंट, मैंने सिलेक्ट की, कहां आई है वैल्यूज में, खुद आई है उसने, जमा करके मुझे बता दिया। बात समझ आई, क्लियर है। देखो अब इजीली हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, यहां पर आ जाओ, अब देखो मंथ ऐड करो, मंथ पे क्लिक मारो, मंथ भी आ गया, मंथ कहां आ रहा है, इसके साथ आ रहा है। मैं अगर मंथ को ऐसे लाना चाहूं ये तो यूं आ जाएगी भाई, देखो मंथ कहां है, मंथ इस तरह आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये रहा, देख रहे हो ये दो बंदों का मंथ इस तरह। अगर इसको यहां लाओ रॉ में तो रॉ की शक्ल में आ जाएगा। आप देखो हर बंदे का क्या है, हर बंदे का। अब अल्बर्ट का जनवरी में इतने इतनी सेल की, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी, और अल्बर्ट की टोटल सेल कितनी है 2650। अब इस डेटा को देखो जरा, इसमें अल्बर्ट की ने टोटल कितनी सेल की कैसे पता चलेगा। अब क्या है, हमें ये करना पड़ता भाई, एक एक को ऐसे देखना पड़ता, अल्बर्ट की टोटल सेल ये रही, या फिल्टर लगा भी देता तो एक एक को चेक करता अल्बर्ट को, इसने क्या किया एडवांस फिल्टर लगा दिया, सबको एक साथ दिखा दिया है या नहीं। ये अब यहां आता हूं और किसी चीज को, अब मैं देखता हूं सेल तो कर दी, मंथ में देख लिया, अब मैं देखना चाहता हूं इन्होंने किस रीजन से सेल किए, कहां कहां से, रीजन वाइज। अब देखो अल्बर्ट ने ईस्ट से 2650 की सेल की है, ब्रेनन ने वेस्ट से, डेविड ने साउथ से, इसने वेस्ट से, इतने साउथ से। अच्छा साथ में मंथ भी बता दो, वेस्ट साउथ मंथ के साथ साथ डिटेल बता रहा है। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है। देखो एक मिनट के अंदर मुझे पूरा डेटा
बता दिया कि क्या चीज कैसे सेल हो रही है, कितनी हो रही है, जिस रीजन से हो रही है, अकाउंट में क्या चीज दी है उन्होंने, ये भी हम देख लेते हैं जरा। अकाउंट में है अकाउंट नंबर, किस अकाउंट नंबर से किया वो भी कर लेते हैं। अब देखो ये वाला नंबर क्या करता हूं मैं, मैंने अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया, उसने कहां दे दिया, यहां दे दिया सम करके, क्या दे दिया। अब फिलहाल मैं ये मंथ भी हटाता हूँ, ऑर्डर भी हटाता हूँ, रीजन और ये सब, अकाउंट डालता हूँ, अकाउंट दिया तो क्या कर दिया इसने, ये सब के आगे सम करके देना शुरू कर दिया, क्या कर दिया सब। हालांकि सबके आगे सम करके देना था अकाउंट नंबर, उसने इतने अकाउंट को किए। अल्बर्ट का, अल्बर्ट ने 925 की सेल इस अकाउंट से की है, अच्छा 875 की सेल इस अकाउंट से की है, टोटल सेल उसने ये की है अल्बर्ट ने, समझ आती है बात। लेकिन अब अकाउंट नंबर का भी सब करना है क्या, इसका थोड़ी सब करना है, तो ये तो अलग चीज होती है, यहाँ ये सम में दे रहा अकाउंट, तो अकाउंट नंबर को उठा के यहाँ रख देंगे। अब देखो अल्बर्ट ने इन इन अकाउंट से सेल की, अब अगली चीज ऑर्डर ऑफ अमाउंट भी, तो अब पता चलेगा ये अल्बर्ट कैथी ने टोटल 2650 की सेल की, इस अकाउंट से इतनी सेल की, इस अकाउंट से इतनी और इस अकाउंट से इतनी, इस अकाउंट्स को प्लस नहीं करना। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजें आ जाती है, रोल नंबर, आईडी नंबर, फलाना नंबर, ढिपकाना नंबर, चिमकाना नंबर, जितने भी ये नंबर होते हैं सारे के सारे इस तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं। बेटा बात समझ आ रही है, क्लियर है, इस तरीके से हमारे पास पिवट टेबल काम करता है। और मजे की चीज ये देखो, पिवट टेबल के अंदर हमारे पास ये चार्ट भी दिखता है, इस चार्ट में क्या वैल्यू है। चार्ट के साथ खेलना आपके पास रहता ही है, जैसा आपने पहले हमारे पास यहाँ खेला है। चार्ट पर आ जाओ, चार्ट के अंदर मुख्तलिफ चीजें, फाइंड डेटा, छोटे छोटे और पार्ट्स हैं हमारे पास, स्लाइसर बनाना, इंसर्ट टाइमलाइन देखना, चेंज करना, डेटा क्लियर करना, ये सब हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, क्या चीज देखनी है, एक्सिस देखना है, चार्ट टाइटल है, ये सब आपको पता है, आप ला सकते हो, ग्रिड लाइन लाना, ये हटाना, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इजिली देख सकते हो। तो जैसे ये वाला पार्ट पहले वाले में आपने किया है, ये वाला पार्ट क्या करना है आपने, यहाँ पर भी इजिली कर सकते हैं आप। तो ये चार्ट जैसे पहले दिया था, दिखाया था, वैसे ही आप यहाँ पर भी इसको मूव करवा सकते हो। तो चार्ट का दोनों जगह यही काम है, ठीक है, ये इसके चार्ट के ऑप्शन दिए हुए, यहाँ आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, चार्ट के अलग अलग स्टाइल्स मौजूद हैं आपके पास, यहाँ आप चार्ट को अलग अंदाज से देख सकते हो। और ये चार्ट मैंने की बात इसकी वैल्यू के हिसाब से चल रहा होगा, किसके हिसाब से, ये यहाँ आओ आप और ये कर दो। अब मेरे बंदों के हिसाब से देख लिया, अब मैं देखता हूँ रीजन के हिसाब से, नाम हटाओ, मुझे ये बताओ किस एरिया से कितनी सेल हुई है और किस किस अकाउंट से हुई है। उसके लिए क्या करते हैं, अभी आते हैं दोबारा अपने इस पर और पिवट टेबल पर। ये हमें देता है एक मिनट एक्शंस, और एक मिनट यार, पिवट टेबल कहाँ गया, पिवट टेबल क्यों गायब कर दिया इसने, शो फील्ड लिस्ट, ठीक है, ये रहा शो फील्ड लिस्ट का ऑप्शन है और हाइड फील्ड लिस्ट का ऑप्शन, यहाँ पर आप आओगे ये खुल गया। अब देखो मैं सेल्स भी हटाता हूँ, अब मैं देखता हूँ किस शहर से कितना हुआ है, रीजन बताओ, पहले क्या आ गया साउथ ईस्ट वेस्ट, अब बंदों के नाम से नहीं, अब मैं बोलता हूँ अमाउंट ऑफ ऑर्डर कितना कितना आया है, सबसे ज्यादा किस जगह से सेल हुई है, साउथ से। क्या ये इस डेटा को देख के मुमकिन है बताना कि कहाँ से सबसे ज्यादा सेल हुई है, बहुत मुश्किल काम है, हो तो है कि पिवट टेबल के बगैर भी आप कर सकते हो, आप फिल्टर लगाओगे एक का, आप अच्छा साउथ का इतना अपने पास लिखोगे, फिर ईस्ट का इतना लिखोगे सबका, फिर देखो अरे इसकी सबसे ज्यादा, फिर उसका चार्ट बनाओगे अलग, लेकिन यहाँ देखो कितना सिंपल हो गया। और दूसरा फिर अगर आपने वैल्यू चेंज की नए चार्ट पे, तो नए सिरे से चार्ट को घुमाओगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये देख लिया। अब ऑर्डर नंबर भी आप रख सकते हो, आप बोलो भाई अकाउंट के हिसाब से बताओ, अकाउंट सब में आ रहा है, अकाउंट को यहाँ गया, आप बताओ। अब इसने बताया ईस्ट ने इस अकाउंट से सेल की, वेस्ट ने, नॉर्थ ने इससे, इसने इससे, देखो सबका बता रहा है ए टू जी, देख रहे हो, ये सबके अकाउंट बता दिए, ईस्ट ने इन अकाउंट से सेल की, ये 29 वाले से इतनी सेल, इससे इतनी, ये देखो पिवट टेबल के हिसाब से चल रहा है। अगर इसको बंद करूं, देखो वहां भी यहां भी फर्क आ रहा है, ये लाइव चार्ट चल रहा है या नहीं, कमाल की चीज। तो जिसका देख रहा हो डेटा भाई, साउथ ने इतनी सेल तो की है, साउथ ने किस किस अकाउंट से की है, साउथ ने इतने अकाउंट से की है, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं और इसको भी ओपन करते हैं। अब मुझे बताओ अकाउंट के लिहाज से सबसे ज्यादा सेल किस अकाउंट से हुई है, पहले नंबर पे साउथ के इस अकाउंट से, दूसरे नंबर पे इस अकाउंट से, तीसरे नंबर पे तकरीबन इस वाले से,
वाले हैं। देखो आप कहूँ सबसे कम किससे हुई है, साउथ के ही 25 वाले थे, उससे ऊपर 125, उससे ऊपर 235, इससे ऊपर 400। सब चीजें आपको इजीली समझ आ गई, आप पूरे डेटा को यूं देख सकते हो, है या नहीं। अब ये अब मजे की बात, ये कितने का डेटा है, 40 का, ये 400,000 का डेटा होता ना तब भी यूं ही दिखता, 1,000,000 का डेटा होता तब भी यूं ही दिखता, कितनी आसानी हो गई। अब 1,000,000 के डेटा में अगर हम खुद करना शुरू करते यूं तो आसान था, अभी हम बोलते यहाँ वो पिवट टेबल लगाते फिल्टर, 1,000,000 के डेटा में करते 50,000 का कौन करता, अब सबका टोटल किया लिखो एक साइड पे, फिर दूसरे का, फिर गलती होने के चांसेस, फिर चार्ट बनाने में मसला। यहाँ ये बोलता है भाई मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, पिवट टेबल है ना, ठीक है। तो ये जो पिवट टेबल है ये इसी काम के लिए होता है, ये पता चल गया। इसके साथ आप और चीजें सेल्स पर्सन भी ऐड कर दो, वो भी आ गया जबरदस्त। आप देखो साउथ ईस्ट रीजन में सबको बंद कर देते हैं भैया, सबको जेल में बंद करते हैं। अच्छा ये भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ ये, चलो भाई। अब देखो सारे जेल में ईस्ट को ओपन करता हूँ, अब ईस्ट में देखो ईस्ट में कितने लोगों ने सेल किए, ऑलबर्ट ने और ऑलबर्ट कैथी और पोस मेल्सिया, इन दोनों ईस्ट में सेल किए, ईस्ट में इसके अलावा किसने। अच्छा ऑलबर्ट और इन दोनों में से किसने ईस्ट में ज्यादा सेल किए, चेक कर लेते हैं किसने ज्यादा किए। ऑलबर्ट ने इतनी सेल की है, ठीक है, और इसने इतनी सेल, ऑलबर्ट ने 3 अकाउंट से सेल की, इसने 2 अकाउंट से सेल की, मतलब इसने 2-3 दुकानों से किए, इसने 2 दुकानों से किए। बात समझ आई, क्लियर हुई, कोई मसला तो नहीं है। ये आपके पास इसके अंदर डेटा के साथ खेलने का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके साथ हम सिंपल डेटा पे खेल सकते हैं। फिल्टर भी लग सकता है, फिल्टर के लिए रहती बात है आप एक को उठा के यहाँ फिल्टर पे ला दो ना, डाल दो किसी भी सेल्स पर्सन को, तो ये आ गया फिल्टर लग गया। अब आ जाओ यहाँ, अब बंदे के हिसाब से फिल्टर कर लो, जो चाहिए वो सबको हटाओ, सिर्फ अल्बर्ट का डेटा दिखाओ, सिर्फ अल्बर्ट का डेटा दिखाएगा। फिल्टर ऐड कर दिया जिसके हिसाब से, वो तो बंदे सारे यार है, रीजन के हिसाब से फिल्टर लगाना है। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से फिल्टर लगेगा, मैं बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ का दिखाओ, सिर्फ नॉर्थ का डेटा दिखाएगा, नॉर्थ में कुछ है ही नहीं। ऑलबर्ट का साउथ का दिखा दे भाई, साउथ में भी नहीं है, नॉर्थ और साउथ के ऑलबर्ट ने सेल ही नहीं की थी, किसने की थी, ईस्ट से, नहीं हटा दे ईस्ट से की होगी इसने, ऑलबर्ट ईस्ट में था तो ईस्ट से दिख गया। बात समझ आई, क्लियर हुई, कोई मसला तो नहीं है। इस डेटा के साथ अब समझ आ गया गेम कैसा है, इजी है, ठीक है। ये देख लिया हमने एक्सेस वगैरह, ये अब आगे आते हैं टू ऐड कॉलम, उठा के मैंने बता दिया, रख भी सकते हो और उठा के भी यूं कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप भी बताएगा ये, बिल्कुल आस्ता आस्ता ढीले ढीले पन से आपको एक एक चीज समझाएगा, ऐसे ऐसे चेक करो, ऐसे करो, ये उठाओ ड्रैग करो, फिलाना करो, मैं आपको समझा चुका हूँ। सीधा चैलेंज आ गया, ये एक आपके पास चैलेंज है, इस एक चैलेंज को आपने पूरा करना है। बैठो तसल्ली से, पिवट टेबल को देखो करो, कल हम फिर करेंगे डूइंग मोर विद एक्सेल, और ये आखिरी वाला काम ये रहा डूइंग मोर विद पिवट, और ये बस ये करके हमारे पास ये वाला टॉपिक खत्म, ये लास्ट हमारे पास टॉपिक था। एंड बस पिवट टेबल को थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि हमारा जो मेन बड़े डेटा पे हम काम करेंगे वो पिवट टेबल का ही होगा। जाओ बैठो।